सीएम बोले, हरदा विस्फोट देख लगा, आतंकी घटना तो नहीं। सुतली बम की माला पहन कर पहुंचे हरदा विधायक, बोले मैं दोषी तो मुझे फांसी दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट को लेकर करीब 1.5 घंटे चर्चा हुई। कांग्रेस ने हरदा ब्लास्ट मामले में स्थगन प्रस्ताव पड़ा, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर समय निर्धारित किया है। हरदा से कांग्रेस विधायक आर के दोगने प्रतीकात्मक सुतली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे। सदन में चर्चा के दौरान दोगने ने बोला, फैक्ट्री मालिक को अगर मेरा संरक्षण था तो मुझे फांसी होनी चाहिए। जो वहां मंत्री था उसका संरक्षण फैक्ट्री मालिक को था तो उसे भी फांसी होनी चाहिए। विपक्ष के सवालों पर सीएम के जवाब देने के दौरान बहस की स्थिति बनी। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। न्यायिक जांच की मांग न मानने पर कांग्रेस ने वॉकआउट किया। हरदा का वीडियो देखकर लगा था कि पोखरण जैसा विस्फोट हुआ है। कैबिनेट बैठक रोक कर सबसे पहले टीम बनाई और मंत्री उदय प्रताप सिंह को अधिकारियों के साथ मौके पर भेजा। हरदा में विस्फोट देखकर ऐसा भी लगा कि आतंकी घटना तो नहीं हो गई। हमने भारत सरकार को भी तुरंत सूचना दी। एनजीटी के आदेश पर परीक्षण कर रहे, उसके आधार पर राहत राशि दिलाई जाएगी। जानकारी मिली है कि हरदा में घर घर जाकर बारूद बांटते थे और बम बनवाते थे। विस्फोट के कारण एक महिला का हाथ उड़ गया है, वह हमीदिया में एडमिट है। मैंने उससे बात की, जहां हादसा हुआ वहां पीएम आवास नहीं देना चाहिए। बस्ती बसाने के लिए कौन दोषी है इसकी जांच करेंगे और कार्यवाही करेंगे। उमंग सिंघार बोले, सिर्फ ट्रांसफर करके खाना पूर्ति। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पेटलावध की घटना में किसी अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, सिर्फ ट्रांसफर करके खाना पूर्ति की जाती है। कांग्रेस विधायक ने कहा, भोपाल में भी ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि भोपाल के बाजार में भी किसी तरह का कारोबार हो रहा है, इसे और भी ध्यान देना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।